Also, all the crews, Jens Tariqer, Alain Chaud and Jerry Darapour. रंग का अपना कोई अर्थ नहीं होता। रंग में अर्थ तो चित्रकार भरता है। सी रंग की डोर पकड़कर आस्था तक ना पहुंचे। रंग जो है वो आस्था का नियमन नहीं करता। आस्था रंग का नियमन कर सकती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सभी दर्शक कभी ना कभी किसी कला दीर्घा में जरूर गए होंगे और बहुत सारे लोग मेरी तरह कभी नहीं गए होंगे। हालांकि मुझे एक दो कला दीर्घाओं में जाने का अनुभव मिला है, लेकिन आप में से ज़्यादा ऐसे होंगे जिन्हें कभी इसका अवसर नहीं मिला। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये गलती मुझसे भी हो गई और आपसे भी हो रही है। जबकि आपके ही शहर में, या भोपाल हो या फिर बनारस हो, वहाँ पर भी स्थापत्य शिल्प और चित्रकारी की बहुत अच्छी कला दीर्घा है, या फिर पटना, या फिर ऐसे तमाम शहर इस देश में हैं, भारत में, जिनके बारे में मैं जानता तक नहीं और शायद आप नहीं जानते हैं। मगर यही नहीं जानना ही हमें जानने के दरवाजे पर ले जाता है और ले आता है। तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप अपनी दिलचस्पियों का विस्तार करें और मेरे साथ जो कला दीर्घा जहां हम हैं वो दुनिया की मशहूर कला दीर्घाओं में से एक है, सेंटर पॉम्पिडू, और हम पेरिस में हैं, फ्रांस, पेरिस, आप जानते हैं। यहाँ पर सैयद हैदर रजा की प्रदर्शनी लगी है और उसके बहाने हम आपको आपकी कलात्मक दुनिया में ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ अशोक वाजपेयी हैं जो रजा फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हैं और रजा के काम को बहुत करीब से, बारीकी से जानते हैं। हो सकता है कि मेरे कुछ सवाल वैसे बौद्धिक ना हो, लेकिन ये भी एक खूबी है कि अगर हम नहीं जानते हैं तो क्या इस आधार पर आप या फिर हम कला से दूर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के तत्वों से ही कोई कलाकार अपनी कला का विस्तार करता है। तो आपका जीवन और आप इस कैनवस पर हैं, तो आपका पहला हक बनता है कि आप इसे देखें। अगर आप नहीं जा सके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब को। और पेरिस में हम खास तौर से ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं, सैयद हैदर रजा की जन्म शताब्दी यहाँ पर मनाई जा रही है और इस लंबी बातचीत में आप उनकी कला यात्रा और उनकी कला यात्रा के बहाने आपके भीतर जो तरह तरह की कलाएं छिपी हैं उसे महसूस कर पाएंगे। अगर आपका दिल इस तरह से धड़का कि ये चीज आपके भीतर भी थी लेकिन आपने कभी इसका विस्तार नहीं किया, कभी मौका नहीं दिया, तो हम समझेंगे कि हम अपने प्रयास में सफल हुए। अशोक जी, अक्सर रजा साहब की जिंदगी को मध्य प्रदेश की मांडला से लेकर पेरिस से जोड़ा जाता है। ये क्या जुड़ाव इसलिए भी है कि उनके जैसा कलाकार एक ऐसे समृद्ध शहर में आता है जो इतिहास का शहर है, जो कला की राजधानी दुनिया में उसकी ख्याति है, लुब्र म्यूजियम है, तमाम तरह के कलाकारों का एक तरह से स्वप्न स्थल है, पर रजा अपने काम में यहाँ रहते हुए पेरिस के कितने हुए और यहाँ रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश या भारत को कितना याद किया? इस सवाल से पहले हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी बातचीत चलती रहेगी लेकिन हम अपनी अनुमति से बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शायद पहली बार आप देख रहे होंगे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये कला के प्रति, कलाकार के प्रति सम्मान बना रहना चाहिए। आप चलकर जाएं और उसे देखें, सराहें, इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करें, ये अच्छी बात नहीं है। आपका जवाब जी। देखिए, रजा आए ही पेरिस, एक बड़े महान फोटोग्राफर थे अनरी कार्ते ब्रेसों, जिनके गांधी जी की हत्या के चित्र भी बड़े प्रसिद्ध हुए। वो श्रीनगर में थे और रजा शेख अब्दुल्ला के, कश्मीर के मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर गए हुए थे कश्मीर, जहाँ वो भी थे, रजा सहनी भी थे और ख्वाजा अहमद अब्बास भी थे, तीनों। तो रजा ने वहाँ, वो उस समय लैंडस्केप के चित्रकार थे, वहाँ तरह तरह के लैंडस्केप बनाते थे। तो अगर आप, हम वहाँ चलें जी जरूर, हाँ, कुछ हम देख सकते हैं। तो वो लैंडस्केप बना के उन्होंने एक प्रदर्शनी श्रीनगर की और वहाँ अनरी कार्ते ब्रेसों संयोगवश आ गए। और ये आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद बात की, ये 48 की बात है। तो वो चित्र इस तरह के थे,
ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चित्र उसी समय के हैं। इनमें तरह तरह से इसमें एक आध चित्र मेरा ख्याल है ये तो ज्यादातर बंबई के हैं, कश्मीर की भी चित्र हमने देखे हैं। हाँ, एक आध है कहीं। तो बहरहाल कार्तिक प्रसाद ने उनसे कहा कि मेरे युवा मित्र, तुम्हारे पास प्रतिभा है पर तुम्हारी पेंटिंग्स में कंस्ट्रक्शन की कमी। कंस्ट्रक्शंस की कमी। तो दादा साहब थोड़े विस्मित हुए, कंस्ट्रक्शन। तो फिर कार्तिक प्रसाद ने समझाया कि एक इमारत की तरह एक कलाकृति भी बनाई जाती है, उसका एक उसकी नींव डाली जाती है, उसके चरण होते हैं, उसके चरण होते हैं, ये जानना चाहिए। और अगर तुमको ये बात सीखनी है तो तुम्हें सिजान की कलाकृतियां देखनी चाहिए। अब सिजान फ्रांस के बहुत बड़े आधुनिक चित्रकार थे। राजा वापस गए, उन्होंने किताबों में, पत्रिकाओं में सिजान की कलाकृति देखी, लेकिन उनको लगा कि असल में अगर सीखना है तो पेरिस जाना चाहिए। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखना शुरू की। वो भारत में रहते थे, बम्बई में रहते थे अलियांस में। और सीखने के बाद वो एक इंटरव्यू में आए तो फ्रेंच दूतावास की जो शाखा वहाँ थी उन्होंने उनको एक वर्ष के बजाय, जो कि आमतौर पर युवा छात्रों को दी जाती थी, दो वर्ष की छात्रवृत्ति। तो रजा वहाँ से चलकर यहाँ मैं रुकना चाहूंगा। आपने लैंडस्केप की बात की, ये बंबई की तस्वीर है। बहुत सारे हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे लोग हैं जो लैंडस्केपिंग करते हैं, मगर हम उन्हें कलाकार भी नहीं मानते हैं। और इस तरह की खूबसूरत तस्वीरों को बनाते बनाते खासकर महिलाएं भी इस शौक को छोड़ देती हैं, मगर एक कलाकार को बनने के लिए, रजा के स्तर पर पहुंचने के लिए ये पहली सीढ़ी है। और इसी से वो सीढ़ी निकलती है। बिल्कुल। या ये जरूरी नहीं है, इसे कमतर मानते हैं लोग? नहीं, कमतर तो नहीं मानते। अभी भी लैंडस्केप करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी भर एक तरह से लैंडस्केप ही करते रहे। बल्कि रजा के बारे में एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि रजा ने लैंडस्केप के बाद, सिटीस्केप के बाद इनस्केप, यानी आंतरिक, आंतरिक, यानी पहले लैंडस्केप जो आसपास का दृश्य है, उस दृश्य से आगे बढ़कर, इसमें तो नदी भी है, समुद्र है और अनेक चीजें हैं। पर बहुत बहुत खास बात ये मुझे लगी इसमें, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि इन्होंने मुंबई की मरीन ड्राइव को गांव के तालाब की तरह बनाया है। और ये जो समंदर है वो तालाब दिख रहा है। तो ये रजा अपने जीवन के बिल्कुल आरंभिक वर्षों को कभी नहीं भूले, और ये बात उनके चित्रों में भी प्रकट है, उनकी बातचीत में प्रकट है, और अंततः उनकी कला में भी प्रकट है। यानी ये जो एक तरह से वो अपनी जमीन की तलाश जिंदगी भर करते रहे, वो जमीन जो उनसे संयोगवश छूट गई, उस जमीन से हटकर, छूट कर वो आए, और उस जमीन ने कभी भी फिर वो वापस नहीं जा सके। तो उन्होंने उसी जमीन को तरह तरह से जैसे छूने की कोशिश की। आपने इस पर जोर क्यों दिया? क्या हम जब किसी बड़े कलाकार, चित्रकार के काम को समझने जाते हैं तो क्या उनके काम में उनकी आरंभिकता के स्रोत नहीं मिलते हैं और वो बहुत दूर चले जाते हैं? वो दूर, तो दूर जाना, पास करना, ये कलाकार का चुनाव है। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने आरंभिक काम से बहुत दूर चले जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जो काम हमने अभी देखा है, जो लैंडस्केप है, वो धीरे धीरे बदल रहा है। अब आप जरा इन चित्रों को देखें, ये भी वही 1949 वगैरह का चित्र है, जिसमें वो जो भूदृश्य है वो लगभग गायब हो गया। तो ये तो एक कला को सीखने की, कला में कुछ ना कुछ करने की प्रयोगशीलता की अपनी। अब वहाँ से अगर आप इस चित्र को देखें
जो फिर भी गांव है लेकिन बहुत कुछ गायब हो गया, लेकिन इसमें बहुत कुछ गायब हो गया। तो क्या गायब होता था कि कलाकार ऐसा उनके रजा के केस में ज्यादा मौजूद भी है कि वो फिर चीजों को उनके एसेंस यानी उनका जो सार तत्व है उसमें रखते हैं और जो इतर चीजें उनकी छटाई पर हटा दें, फिर वो पेंटर से माली बन जाते हैं। मतलब ये कि ये सब अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्हें सिद्ध अब नहीं करना है कि वो लैंडस्केप पेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, अब उनको वो करना है जो उनको लगता है कि ठीक है। तो कलाकार ऐसी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे छोड़ता है। अब जैसे इनमें अभी भी पर उधर चले तो ये देखिए, ये भी एक तरह के लैंडस्केप्स हैं, लेकिन इन लैंडस्केप में अब एक निर्जनता है, मतलब एक खाली बन है जो रजा के अपने जीवन की अभिव्यक्ति है। वो फ्रांस में आ चुके हैं, ये चित्र 1952 का है। अब आप देखें कि मकान है और बाकी सब लगभग हटा दिया गया, यानी ना सड़क है ना पार्क है ना शहर की सुविधाएं हैं, लोग बिल्कुल नहीं है। लोग अपनी तथाकथित भौतिक उपस्थिति से रजा के चित्रों से गायब हुए तो फिर कभी लौटे नहीं लोग, पर लोगों का जो यानी जिसको आप मानवीय उपस्थिति कहते हैं, वो मानवीय उपस्थिति इन सब में है, क्योंकि आपको याद दिलाता है कि ये मकान, ये चर्च, ये जैसे चर्च है, चैपल है, ये है कि इनमें लोग ही रहते हैं, तो लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। कला का एक काम ये है कि आपकी कल्पना को उद्दीप्त करें, सब कुछ आपके सामने नहीं रख दें थाली की तरह के आप गप से खा लें, कुछ आपकी कल्पना का उद्दीपन होना जरूरी है, आप भी सोचें कुछ सोचें। और वो कहते मतलब अच्छी कला वही है जो कल्पना को उद्दीप्त करे दर्शक की या रसिक की। और अगर आप देखें यहाँ, मैं यहाँ आने से पहले एक सवाल जोड़ देना चाहता हूँ कि अब हम उस पेंटिंग्स की तरफ आ रहे हैं जहाँ उन्होंने धार्मिक स्थलों को चित्रित किया है, क्या रजा धर्म को लेकर होने वाली हिंसा, हिंसक टकराव से व्यथित थे, या वो धर्म के जिसे हम आध्यात्मिक रूप कहते हैं जो बहुत आदर्श बन जाता है जहाँ पर धर्म जो सबको मिलाने वाला होता है उस धारा के चित्रकार बन जाते हैं इन तस्वीर इन। देखिए रजा त्रिधार्मिक व्यक्ति, त्रिधार्मिक जन्म से और अपनी आस्था से मुसलमान थे, लेकिन उनको हिंदू परंपरा, हिंदू अध्यात्म और हिंदू जो प्रत्यय है उनमें बड़ी दिलचस्पी की गहरी, इसका उन्होंने बाद में उपयोग भी किया, बिंदु इत्यादि हम पहुँचेंगे। तीसरा, उनकी पत्नी ईसाई थी तो उन्होंने ईसाइयत को भी काफ़ी समझने की कोशिश की, ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि उनका पूरा परिवार बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया, वो नहीं गए और जिद करके नहीं गए, ये हमारा वतन है हम क्यों छोड़ के जाएंगे, हमको क्या लिखना। उन्होंने शायद ये कहा था कि गांधी में इतना यकीन था कि उनको ये था कि मैं, उन्होंने शायद 11-12 बरस की उम्र में मंडला में गांधी जी को देखा, फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता बूढ़े आदमी के साथ विश्वासघात कर, अगर मैं जाऊंगा तो वो नहीं है। पर इस रंग में या जो हिंदू मंदिर बना रहे हैं उसके रंग में लाल इस तरह से केसरिया भी है और उसके दूसरे शेड्स भी, पर वो अक्सर यूरोप के जो गिरजाघर हैं, कैथीड्रल हैं, उनको हम बर्फ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सफेदी के संदर्भ में देखते हैं। पर रजा क्या हिंदू आस्था से जुड़े रंगों या हिंदू परिवेश से जुड़े रंगों के कॉन्टेक्स्ट में उसकी प्रतिक्रिया में चर्च को भी देख रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से
राजा एक भारतीय चित्रकार थे, बल्कि वो ये कहते थे कि चित्र कैसे बनाना ये मैंने फ्रांस से सीखा, और चित्र में क्या बनाना है ये मैंने भारत से सीखा। तो भारत का जो उनका रंग बोध है, जो बहुत ही प्रफुल्ल और उल्लसित रंग बोध है, तरह तरह के चटक रंग हमारे जीवन में इतने अधिक हैं, तो उन्होंने उस रंग बोध को ईसाई चर्चों के ऊपर रूपांकन में भी कायम रखा, प्रत्यारोपित किया। दूसरा एक रीडिंग ये भी की जा सकती है, जो आपने जिसका इशारा किया, कि उनको धर्म के नाम पर हुई हिंसा का सीधा परिचय था, क्योंकि उनका पूरा परिवार गया था, क्योंकि उनके घर पे हमले हुए थे, भाई विछड़ गए, उनकी पहली पत्नी भी चली गई थी और बहन भी। तो अगर आप देखें तो इस ये जो रंग है और इधर जैसे वो उधर, तो चर्च और चैपल को चित्रित करते हुए बहुत ही मतलब गहरे लाल का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ वो मंदिर बनाते हुए एक सफेदी का इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रंग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, रंग में अर्थ तो चित्रकार भरता है, ये बात शब्द से अलग है। शब्द का अपना अर्थ है, कभी कुछ भी करे उसके प्रचलित अर्थ को विचलित कर दे, अपदस्थ कर दे, लेकिन उसका अपने आप में अर्थ है। लेकिन लाल रंग का या सफेद रंग का अपने आप में कोई अर्थ नहीं। और आज के संदर्भ में देखें तो वो मंदिर को कुछ और रंग में भी देखने के लिए कहते हैं कि आप मंदिर को उससे जुड़ी कलाओं और रंगों और अपनी आस्था को अलग रंग में भी महसूस करें, आप किसी रंग की डोर पकड़कर आस्था तक ना पहुंचे। ये आप रंग जो है वो आस्था का नियमन नहीं करता, आस्था रंग का नियमन कर सकती है। ये अलग अलग बात, मतलब आप गेरुआ पहन लें इससे आप संत नहीं हो जाएंगे, आप संत होंगे तो शायद गेरुआ पहन और फवे भी आप। एक रजा की तस्वीरों को देखकर जब मैं पहली बार आया तो आप सब जब बता रहे थे लाइट्स पे बहुत जोर दे रहे थे उनकी तस्वीरों में, रोशनी पे जोर दे रहे थे, तब मैं बहुत दीक्षित नहीं हूँ कला चित्रकला पर बात करने के मामले में, लेकिन अपने समय में रहता हूँ और उसे दर्ज करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे मन में वो भाव जाग रहा था कि जब आप रोशनी की बात कर रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि लोकतंत्र की कोई एक रोशनी नहीं होती है। हम किसी पैकेज तरीके से देखते हैं कि लोकतंत्र में लोग कहते हैं कि कोई रोशनी नहीं है, कई बार लोग मुझे भी जोड़ देते हैं तारीफ में कि तुम एक रोशनी हो, तो मुझे लगता है कि वो एक सत्ता के विस्थापन को के बाद की रोशनी को ही लोकतंत्र समझते हैं। पर कल मैं जाना कि रजा रोशनी के जरिए लोकतांत्रिक जीवन में आने वाली हताशाओं और उम्मीदों को, हौसलों को देख रहे थे, क्या ये मेरी रीडिंग सही है? क्या उनके भीतर जो रोशनी का है जब वो जीवन को, राजस्थान को चित्रित कर रहे हैं या और भी तरह की चीज़ों को चित्रित कर रहे हैं, आगे जब हम वहाँ पर जाएंगे तो और खुलकर इस पर बात कर सकते हैं, तो क्या आप इस संदर्भ में कुछ रोशनी? मैं दो तीन बातें कहूँगा। एक तो यहाँ जो प्रकाश व्यवस्था है बहुत सुंदर है, इस एक धीमी रोशनी उन्होंने रखी है, उसका लाभ ही हुआ है कि रजा के चित्रों में जो रोशन है वो जाहिर हो रहा है। अगर इस पर बहुत तेज रोशनी डालती गई होती तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं पहली बार मुझे लगा कि रजा न सिर्फ रंगों के कवि हैं, वो आलोक के भी, रोशनी के भी कवि, यानी उनके यहाँ ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं सारे चित्रों में, एक अजब किस्म की रोशनी है, कला की रोशनी और राजनीतिक व्यवस्था की रोशनी, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन कला की रोशनी और राजनीतिक व्यवस्था की रोशनी अलग अलग होती है, लेकिन कला की रोशनी ज़्यादा टिकाऊ है क्योंकि वो बनी रहेगी, राजनीति की रोशनी टिकाऊ नहीं होगी। यहीं पेरिस में ये हुआ है,
क्रांति ने एक नई रोशनी पैदा की थी, फ्रेंच क्रांति के नाम से हम जानते हैं। पर यही फ्रांस ने उस रोशनी को दबाने के, नष्ट करने के, उसके अलग जाने के बहुत सारे राजनीतिक प्रयत्न हो गए, लेकिन उस दौरान जो चित्रों में रोशनी थी वो तो बनी उसकी निरंतर। तो एक तरह से रोशनी को दर्ज करने का काम भी कला करती है, ताकि वो बीत न जाए। असल में कला का एक बड़ा काम ये है कि वो समय के बीतने को थामती है। समय को बीतेगा, हम आप नहीं होंगे, नजर नहीं है आज इसी शहर में जहां वो 60 बरस रहे, ये उनकी पहली बड़ी प्रदर्शनी, सबसे बड़ी प्रदर्शनी। 90 से अधिक चित्र इसमें, 80 से अधिक दस्तावेज इसमें, लेकिन जो रोशनी उन्होंने अपने हिसाब से दर्ज की है वो तो नहीं है, लेकिन ये रोशनी तो बचेगी। और समय को थामना, हम सब समय की जरूरत से ज्यादा शिकार, बहुत व्यापार खाती है, भाग रहे हैं, खुदा जाने खाई की भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो उस भाग दौड़ को थामने का काम, उसके एक तरह के स्थगन का काम कला करता है। तो ये जो स्थगन है, इसमें जो उजाला होता है वो तीखा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आज की बातचीत में, जो कि ये बातचीत बहुत लंबी होने जा रही है, और मुझे अपने दर्शकों पर भरोसा है, भरोसा इसलिए भी है कि ज़्यादातर साधारण घर के लोग हैं, आप जानते हैं कि डेटा आजकल बहुत कम होता है लोगों के पास, वो एक गरीबी का नया पैमाना है और आर्थिक स्थितियां वैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरे दर्शक बड़े जिम्मेदार हैं वो, और मैं चाहता भी कि वो देखें, सुनें और इन बातों को महसूस करें। मेरा सवाल ये था कि हम जिन रंगों की दुनिया में रहते, मैं खासकर मीडिया की दुनिया में, आप टेलीविज़न स्क्रीन को देखें तो उस पर जिस तरह के रंगों का संयोजन है, रंगों का हथियार शस्त्रीकरण है, एक तरह से वेपनाइजेशन है, देख के डर लगता है कि इस देश ने रंगों का इतना सुंदर इस्तेमाल किया है। सिर्फ साड़ियों में इस्तेमाल किए गए रंगों को ही देख लें तो लगेगा कि यहाँ एक से एक हर घर में रजा है, मतलब उस तरह के पेंटर हैं। पर हम ये हम समझना चाहते हैं कि आज के समय को के लिए क्या कोई नया रंग ऐसा हो सकता है जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, इन रंगों में क्या डाइवर्सिटी है इसमें, इसकी विविधता है, या फिर ये उनकी पूरी संवेदनशीलता अब रंगों को लेकर वैसी ही बन गई है। एक तो ये कि एक वचन कलाओं में और साहित्य में घातक भी होता है और अक्सर होता भी नहीं है, यानी हर चीज वहां बहुवचन में है, तो रंग भी बहुवचन में है, यानी कई रंग है, हर एक की रुचि और उसकी अपनी समझ, उसकी अपनी संवेदना, उसके अपना अनुभव संसार, कौन से रंग पसंद करता है, कौन से रंग चुनेगा। मुझे तो लगता है अशोक जी कि अगर लोग इस तरह के रंगों से उनका परिचय कराया जाए, और जब अपने गांवों में या फिर मोहल्लों कस्बों में अपने घरों को बाहर से इस तरह से रंगने लगे, तो हमारा जो शहर जो बहुत कई म्यूनिसिपल कारणों से गंदा लगता है, कितना भव्य लगने लग जाए। एक बात, लेकिन दूसरी तरफ रंगों का दुरुपयोग भी हो सकता है। अच्छा, कैसे? कैसे, आज दिल्ली में अगर आप जाएं तो जिसको पब्लिक आर्ट कहते हैं, कोई अंडरपास बनाया, उसमें दोनों तरफ चित्र है, बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल, बहुत खराब लगता है, खराब लगता ही नहीं कि देश में कोई चित्रकार भी है। तो ये रंग वो भी रंग है, तो रंगों का इस्तेमाल काहे के लिए किया जा रहा है? अगर रंगों का इस्तेमाल हिंसा को प्रकट करने के लिए, जुगुप्सा को प्रकट करने के लिए, एक तरह की आक्रामकता की अभिव्यक्त करने के लिए, इसके लिए रंगों का इस्तेमाल हो नहीं रहा है आज, नई बात नहीं, तब वो रंग और ये रंग मेल नहीं खाए। तो ये इस पर निर्भर करता है। अब देखिए, तो रंग से मन पे आ जाए जी। हाँ, जरूर। इसे देखिए, ये जो इस प्रदर्शनी का ये लोगो चित्र है, अब आप देखें ये चित्र
इसमें जो पंक्ति जिसका इस्तेमाल है, उधो मन न भये दस बीस, मन ना ही दस बीस, ये सूरदास पंक्ति। तो मन की बात तो एक ही है। हाँ, मन की बात तो एक ही है, लेकिन वहां क्या कहा जा रहा है, जो मैं उधर कह रहा था कि वो वचन, यहाँ एक वचन का क्या अद्भुत उपयोग है। उपयोग ये है कि उधो से गोपियां कह रही हैं कि हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईश। उधो से कह रहे हैं कि तुम क्यों कृष्ण के प्रेम में पागल हो, जो छोड़ो भगवान की आराधना करो। तो क्या कह रही है गोपियां कि हमारे पास तो एक ही मन था, वो तो कृष्ण ले गए हमारे। अब अगर 10-20 होते तब तो बात थी, लेकिन अब कौन, हमारे पास मन है ही नहीं जो ईश्वर की आराधना करे। इसको क्रिश्चियनिटी में सैक्रिलेज कहते हैं। यानी गोपियां ये कह रही है कि कृष्ण को गया उनका मन, अब ईश्वर की आराधना करने को मन नहीं बचा। तो ये हमारी परंपरा का ये एक अद्भुत गुण है कि उसमें हर चीज को प्रश्नांकित करने की भी स्थिति रही। और बड़ा कलाकार यही करता है, जो आपको याद दिलाता है कि ईश्वर की आराधना से भी आप मुकर सकते हैं अगर आप अपने से प्रेम करते हैं। तो ये कितना बहुत ही सुंदर, और उसका इस्तेमाल, ये जो चित्र है इसमें, ये हमारे यहाँ की जो मिनिएचर परंपरा है, खासकर राजपूत मिनिएचर, जिसमें कविता की पंक्तियां या रागों के बंदिशों का इस्तेमाल होता है, रागमाला सीरीज जो होती थी। तो ये परंपरा हमारे समय सैयद हैदर रजा ने ही सबसे अधिक सक्रिय और जीवित रखी। उनके लगभग 100 चित्र ऐसे होंगे, अभी आगे चलेंगे तो हमको महादेवी की पंक्ति मिलेगी, और आगे चलेंगे तो मेरी भी पंक्ति मिलेगी। तो ये इस्तेमाल शायद आधुनिक कला में, भारत में तो निश्चय ही, बल्कि विश्व में भी किसी आधुनिक व्यक्ति ने इतना इस्तेमाल नहीं किया है शब्दों का। वो इसलिए कि चित्रकार आमतौर पर जो देख रहा है उसे चित्रित करता है, लेकिन रजा जो है वो उसे भी चित्रित कर रहे हैं कि क्या कहा गया है, क्या कहा जा रहा है। एक दूसरा, हम तुमुल कोलाहल कलह में तू हृदय की बात रे मन, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, इतना शोरगुल है उसमें हृदय की बात। तो हृदय की बात यानी मन की बात, वो मन की बात आप जितना तीक्ष्णता से कह सकें उससे कहिए। ये देखिए दूसरी है, यहाँ यत्र नरस्य पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र दैवता। अब इस चित्र में जो कि पूरी तरह से अमूर्त है, और इस पंक्ति में कोई संबंध नहीं, ऐसा संबंध रखने की उनकी इच्छा भी नहीं। वो शब्द को अपनी गरिमा में, अपनी स्वायत्तता में स्थान देते हैं। ये उसका अलंकरण नहीं है, ये इसका अलंकरण नहीं है। तो एक और दूसरे किस्म की कला है जिसमें दो चीजें, शब्द और रंग, यानी बिंब और शब्द साथ है, एक दूसरे से संवाद में, एक दूसरे के बारे में। एक इससे पहले थोड़ा हम इस रंग के बारे में बात करना। हाँ, कि ये रंग जो है, जब हम यहाँ आए और ओम थानी भी कह रहे थे, तो मुझे भी ये लगा कि ये इनके तमाम रंगों के प्रयोग से ये एक ब्रेक पॉइंट बहुत है। यहाँ से आगे जो 3-4 चित्र ऐसे हैं, तो रजा चूंकि चटक रंगों के चित्रकार थे, तो कभी कभी उनको रंगों से अपसरण करने की इच्छा भी होती है कि हो गया बहुत चटकपन, दूर चला, अब थोड़ा दूर चले। तो ये जो ये सीरीज यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, ये देखिए इसमें महादेवी वर्मा की पंक्ति, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अब इस ये जो हिस्सा है, वो जो हिस्सा है, उसमें अगर आप इसको भूल जाएं तब भी ये पंक्ति, और ये अपने हाथ से लिखते थे, बहुत सुंदर लिखा है, और उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। हिंदी उनकी मातृभाषा थी,
उत्तरी भाषिक व्यक्ति थे, जैसे मैं कह रहा था त्रि धार्मिक व्यक्ति थे, वैसे उत्तरी भाषिक, हिंदी, फ्रेंच और अंग्रेजी। और कोई भी हिंदुस्तान से आए या फोन करे, कहीं भी हो दुनिया में, वो उससे हिंदी में बात करते, और उनको हिंदी का अद्भुत प्रेम था। इतना किसी कलाकार ने हिंदी कविता से प्रेम नहीं किया जितना रजा ने। और पूरी उनकी जो पंक्तियां हैं वो वेद उपनिषद से लेकर कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, आगे चलकर गालिब, मीर, फैज, अज्ञे, मुक्तिबोध इत्यादि। तो अब वही परंपरा चल रही है, लेकिन इसमें जो एक आधुनिक हस्तक्षेप है कि मिनिएचर में पंक्ति ऊपर होती थी या नीचे होती, यहाँ बीच है। तो इस जरा से खेल से खिलाड़ी आदमी थे काफी, ऐसे स्वभाव में भी काफी। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने कहा कि भारत की आधुनिकतावाद को, भारत की आधुनिकतावाद को, मॉडर्निज्म को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। हाँ, लेकिन उस मॉडर्निज्म में उन्होंने अपनी अलग राह, वो पश्चिम का, पश्चिम की आधुनिकता नहीं, उससे उन्होंने अलग राह, पश्चिम की आधुनिकता जिसका भारत पर बहुत गहरा प्रभाव कलाओं में, साहित्य में हुआ, वो है कि एक तरह से लय भंग, एक तरह का विध्वंस, एक तरह का तनाव, एक तरह की विसंगति, एक तरह का विद्रूप, इन सबसे अलग आधुनिकता संभव है, ये रदा ने करके लिखा है। उनके यहाँ संगत, मौन, शब्द, सुसंगत, संगीत, ये सब चीजें हैं जो कि आधुनिकता का चारित्रिक लक्षण नहीं है। अशोक जी, मैं इन दो पेंटिंग्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जी। मुझे बहुत दिव्य इसका असर हुआ, भव्य भी और दिव्य भी, ये पेंटिंग और वो पेंटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। कई बार ऐसा लगता है ये भारत का लोकतंत्र है, आज का समय है, बहुत सारी निराशाएं हैं काले रंग में, कहीं कहीं रंग दिख रहे हैं, रोशनी दिख रही है उम्मीद की। ये इस चित्र का शीर्षक है जमीन। जमीन, तो जमीन जो है वो उनकी मातृभूमि है, उस मातृभूमि में वो क्या खोज रहे हैं या क्या याद आ रहा है। मातृभूमि भारत है, और उसकी जो स्मृतियाँ हैं उसमें, जो एक देश जो स्वतंत्र हो चुका, लोकतंत्र बन चुका, उस देश में बहुत सारी निराशाएं जैसा आपने भी कहा, लेकिन बहुत सारे आशा के दीप जल रहे हैं, विस्फोरण भी है, बहुत सारा अंधेरा है, और ये सारे रंग विस्फोट की तरह लगते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कहीं फटा हो दिवाली का छोटा सा, यहाँ विस्फोट के बजाय स्फोट, स्फोट यानी विस्फोट का जो नकारात्मक पक्ष है, जो बम से संबंधित है, धमाके से संबंधित है। तो ये उस अर्थ, देखिए वो जो चित्र है जी, ये एक तरह से ये एक उस आशा निराशा कलाकार, महान कलाकार, आशा निराशा के द्वैत से मुक्त होता है। उसके यहाँ आशा का संचार और निराशा की छाया दोनों एक साथ हो सकते, क्योंकि उसको ये चुनना नहीं है, वो ये हम आशान्वित रहें सारे वक्त, और या सारे वक्त निराश की मनमूसियत छाई रहे। आमतौर पे रजा की जितनी पेंटिंग है उनमें मैं जो पढ़ रहा था यहाँ आने के लिए, जो होमवर्क कर रहा था, बिंदु पे बहुत जोर है। हाँ, तो हम अपनी बात वहाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन ये आपने देखी थी पहले ये पेंटिंग? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने यहाँ पहली बार देखी, रिप्रिंट वगैरह ये सब देखी? हाँ, पर माँ लौट कर जब आऊँगा क्या लाऊं, ये मेरी एक कविता है, और उस कविता का जो उपयोग रजा ने किया है वो उस कविता के मूल आशय से बिल्कुल अलग है। मैंने तो सचमुच अपनी माँ के लिए कविता रखा,
मेरी माँ भी थी, क्योंकि हम आए थे दिल्ली सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ने, जैसे आते थे उस समय बिहार से आते हैं मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से के पढ़ के और IAS के इम्तहान में बैठेंगे, और तब तक जब तक ये हो हम उनकी बहुत बीमार हो गए, सेवा टहल में हम लोग लगे रहे थे, तो कुछ 4-5 दिन बचे तो मैं मुक्त भाव से उस इम्तहान में बैठा, और बीच में एक पेपर में जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, आपको लगा फील हो जाएगा, तो मैंने वहाँ लौट कर जब आऊँगी उसी क्वेश्चन पेपर के खाली जगह पर वो कविता लिखी थी, और इसका उपयोग जब वो पहली बार भोपाल आए और उनका एग्जीबिशन हुआ, एक तरह से ये मेरे लिए आध्यात्मिक संतोष की बात है, मैंने उनके घरों राज्य में पहली प्रदर्शनी आयोजित की, कई बार 40 बरस बाद आप पहले उनके कर्मभूमि में आपने सबसे, और ये कई बार देख के मुझे लगा कि माँ की साड़ियाँ कि माँ हम अपनी नहीं, ये तो उन्होंने एक जैसे केवल वात्सल्य रूप में देखते हैं, हम अपनी माओं के सौंदर्य को कभी नहीं देख पाते हैं, और उनके पास जो साड़ियों का संसार होता है उसी संग्रह में मेरी कविता की असंग प्रसव माँ के लिए पहली, जो मेरी माँ उदयन मेरा सबसे छोटा भाई है, हाँ मिला था, वो 20 वर्ष छोटा है, वो होने वाला था असल प्रसव थी मेरे माँ, बहुत सुंदर लग रही, मैं उसको करता नहीं, उसको देखकर उस जमाने में थोड़े बहुत विवाद हुआ कि माँ के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, पर देखिए इसमें एक तरह का घर भी बना, तो ये एक तरह का अपने मातृभूमि के नाम प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र है, मुझे माँ की साड़ियाँ बहुत याद आती हैं, मैं याद करता हूँ अपनी माँ, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं, हाँ, तो मुझे देख के पहली प्रतिक्रिया मेरी यही थी कि इसमें लगता है कि किसी ने माँ की साड़ियों को सबको निकाल के और उसका कुछ कोलाज जैसा बना लिया और उसको फैला के, और ये जो तस्वीर है इस पर हम बात करना चाहते हैं, और फिर बिंदु पे हम रुक जाएंगे, वो फुल स्टॉप भी है, बुझ रहे हैं चिरागो दहरो हरम, दिल जलाओ की रोशनी कम है, फायज की पंक्ति है यहाँ तक मुझे याद है, अगर आप इसको इसका एक अपेक्षाकृत व्यापक पाठ करें तो ये कहने की कोशिश है कि अब जहाँ जहाँ पहले चिराग होते थे रोशनी होती थी वहां अब रोशनी नहीं, बुझ रहे हैं चिराग दहरो हरम, दिल जलाओ की रोशनी कम, दिल जलाओ की रोशनी कम है, इसलिए अब आप उस मन को याद करें, वो जो मन वहां मधु लेकर और अब यहां आइए, यहां दिल को जला के रोशनी पैदा करने का एक तरह का आह्वान है, तो और इस जगह पेंटिंग का एक संबंध ये बन रहा है कि ये वो हिस्से हैं जिनमें रोशनी दब रही है, और लेकिन ये संभावना दिल की रोशनी बड़ी से निकल रही है, और जब मैं इसको पहली बार देखा मैंने उस समय भारत में मीडिया संस्थानों के छापे की थी, और तो एक निजी तौर पर भी ये तस्वीर और ये खासकर ये पंक्ति ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच कर हाथ से पकड़ कर यहाँ ला रहा है और कह रहा है कि इतनी बेचैनियों को लेकर गिर रहे हो, आओ जरा इस बात को समझो कि बुझ रहे हैं चिरागो दहरो हरम, दिल जलाओ की रोशनी कम, तो जितने भी लोग हैं वो समझेंगे इस पेंटिंग को देख के कि फिलहाल तो दिल के भी जलने का वक्त है और बगैर उसके भी रोशनी नहीं आने वाली है, तो अब हम इस बिंदु पर आते हैं कि जब उनके शिक्षक नंदलाल झारिया जी ने कहा था कि बिंदु अपना ध्यान बिंदु पर केंद्रित करो, और उनका दिल बहुत मन भटकता था, बिल्कुल लड़के थे समय, तो बिंदु एक तरह से उनके यहाँ उनका एक तरह का प्रतीक चिन्ह ही बन गया, अब
कहीं बिंदु की बात करें तो रजा का नाम स्वाभाविक तौर से उसमें आता है। बिंदु उनके लिए बहुत सारी चीजें एक साथ था। एक तो वो ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का, आवेग। दूसरी तरफ वो अपसरण है, शांति का। शांति का बिंदु की कलाकार का नाम ही है शांति बिंदु, जल बिंदु। तो उनकी तलाश थी इस बिंदु को तरह तरह से खोजने की, कहाँ कहाँ ऐसा है जहाँ शुरुआत और आखिर, आरंभ और अंत एक ही जगह मिलते हैं। तो वो जो आरंभ और अंत का लगभग एकतान हो जाना है, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प कलात्मक खोज है। दूसरी तरफ जब अपसरण करते हैं, ऐसी वहाँ दुर्भाग्य से कोई कलाकृति नहीं है, तो ये रंग वाली ज़्यादा है, लेकिन उनकी ऐसी कलाकृतियाँ भी हैं जिनमें चटकपन नहीं है, यानी वो अपेक्षाकृत अधिक विनम्र और अधिक गैर चटकीले रंग हैं। रजा ने जितने रंगों का इस्तेमाल किया, ऐसे अनेक रंग, कई रंगों को मिला के वो बनाते थे, मैंने उसको करते देखा, तो वो तो आश्चर्य होता था, यानी कि कैसे ये रंग कहाँ से आ गया, क्योंकि वो उनका रंग बोध इतना प्रबल था। वो तो कहते थे कि रंग जो है वो मेरे लिए चिंतन है, मतलब एक तरह से चिंतन करता हूँ तो रंग है। और उस बिंदु को पाते हैं जो हमारे यहाँ माएँ बच्चों के ललाट पे एक बिंदु लगा देती हैं, काजल की कोठरी। तो बिंदु उनके उत्तर काल का लगभग 20 वर्ष से अधिक का एक वो बना रहा केंद्र, लेकिन उनकी कला बहुत सारे चरणों से गुजर कर बिंदु पर पहुंची है। और दूसरी तरफ वो देखिए अपनी सारी कलाकृतियों का एक तरह का एक कोलाज भी बना रहा, ये उनके अलग अलग चित्रों के भी हैं, जैसे ये चित्र देखिए, ये तरह तक वो उस सारों को एक साथ कर। और सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, सूर्य को यानी उजाले को यानी प्रकाश को नमस्कार। बहुत सुंदर बातचीत रही और हम उम्मीद करते हैं अशोक जी कि हमारे दर्शक सैयद हैदर रजा को जानेंगे ही, और उनको जानने के क्रम में खुद को जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो ये हमारा हासिल होगा। तो पेरिस के सेंटर पॉम्पिडू से मैं आपसे विदा लेता हूँ रवीश कुमार ऑफिशियल के लिए, और संजीव जी ने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की है, काफ़ी देर तक कैमरे को पकड़ा रहा, तो उनका भी शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।